को देख, गरीबों को, एक गरीब दरिंदे। व्लॉग की शुरुआत होती है कुछ ऐसी जगह से, हाईवे से, या राइड भी हमने लेट स्टार्ट की क्योंकि हमें प्लान था आज सुबह जल्दी निकलना और हम जा रहे थे कुपवारा साइड से, बट किसी दो बंदों की वजह से लेट हो गया बहुत ज़्यादा। बट हमें पता नहीं कि हम नाइट स्टे कहाँ पे करेंगे। एक दो जगह हमने सुबह डिसाइड किए थे बट उन दोनों जगह पे हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसीलिए हम जा रहे हैं अब कुपवारा की ओर। हमने सोचा है कि हम कहीं पर भी कैंप लगाएंगे और कल मॉर्निंग में जिधर हमारा प्लान था वहाँ जाएंगे। तो पेट्रोल हमने रिफिल कर दिया है, हम तीन बाइक्स जा रहे हैं और हमारा ग्रुप अमीर हो गया। अब हम गाड़ी भी लेके जा रहे हैं, तो राशिद भाई की गाड़ी में है पांच बंदे और तीन बाइकर्स है, टोटल हम आठ बंदे जा रहे हैं आज। बाकी वो जो हमारे गाड़ी वाले हैं पांच बंदे वो आगे चले गए और हम तीन जा रहे हैं उनकी ओर, तो जल्दी से मिलते हैं उनसे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने उन गरीबों के पास। बोरिया बिस्तरा कैसा गाड़ी में है गरीबो? जब तक वो गरीब आएंगे तब तक हम बारबेक्यूज खाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने बाइक्स ना चोरी रखी है। अरे बैग फंस गया यार। तब तक हम बारबेक्यूज खाएंगे और उनको व्लॉग में पता चलेगा। ब्रो निकले हम बारबेक्यू खा के क्योंकि उन कमीनों ने हमारे बगैर कुछ खाया था तो हमने भी उनके बगैर ही कुछ खाया। उनको अभी तक पता नहीं चलेगा, जब वो व्लॉग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने बारबेक्यूज खाए हैं। चलो फैजान, तो निकले हम उनसे मिलने। तो भाई लोग हम रुके हैं मानते सलवा में डिनर करने, पता नहीं क्या मंगवाया है इन्होंने धोखेबाज। अकेले अकेले बारबेक्यूज खाए हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने। ये तो है ही कमीने सारे, ये तो है कौन, कोई बात नहीं। बिलाल भी भूखा था, फैजा ये भी भूखा था बेचारा, इसने भी कुछ, अरे कोई कुछ। चलो ये पता नहीं किसके लिए मंगवाया है। अच्छा पनीर और मटर, अच्छा वो देखो वो गरीब लोग, ये एक नंबर के कमीने हैं, मैंने इनसे सारा ख़त्म कर दिया है। अभी आया है डिनर में मटर और पनीर है इसके साथ, मुझे तो मशरूम दिख रहा है। इसके बाद पता नहीं, ये तो यहाँ पर पबजी खेलने लगे हैं। बस कर बिलाल, कितना डालेगा भाई? गरीबों को देख, गरीबों को, एक गरीब दरिंदे। तो निकले हम मानते सलवा से अपना डिनर करके और चलते हैं हम कुपवारा की ओर। पापा विली के साथ चले और चलते बने हम कुपवारा की ओर। यहाँ से ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड बढ़ने लगी है। हमारी गाड़ी जा रही है आगे और बहुत ज्यादा ठंड है यार। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हमने एंटर किया और हम जा रहे हैं सीधा अब कुपवारा की ओर। जो कुपवारा मेन स्टॉप है वहाँ पे होटल वटल देख लेंगे और वहाँ पे अपनी जो नाइट स्टे है हम उधर ही करेंगे, क्योंकि हमारा कैंप कहीं पे नहीं लग सकता है अभी क्योंकि लेट हो गया बहुत ज़्यादा। जिधर हमें जाना है उधर हम नहीं जा सकते हैं फिलहाल। यहाँ से एक रास्ता था बंगस वैली की ओर बट ये बोल रहे नहीं, हम कुपवारा साइड से जाएंगे। तो वहाँ से बहुत सारी जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, बंगस वैली भी है, मच्छुल भी है, बर्ड नमल भी है। तो अब कल ही डिसाइड होगा कि हम कहाँ जाएंगे कल सुबह। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अभी कुपवारा मेन टाउन में हम पहुँच चुके हैं। अभी हम होटल देखेंगे, यहीं पे डिसाइड हुआ कि अब इधर ही नाइट स्टे करेंगे और कल मॉर्निंग में हम निकलेंगे यहाँ से। सेठ के घर में फाइट स्टार्ट हो गई है, ये देखो ब्रोकले।
मुझे हमेशा काम पे लगाते हैं ये कमीने, देख लो कॉफ़ी बना रहे हैं अभी। कॉफ़ी यहाँ पे मिले नहीं, बस ये 2 रुपए वाले पैकेट मिले हैं। बस ये देखो सेठो भाई के कमरे पे हम बैठे हैं अभी। सेठो भाई आई लव योर कमरा, बहुत अच्छा कमरा है आपका। कॉफी बन रही है। ओहो भाई साहब, ओहो मेरे को बच्चों ये पागल हो गए ये लोग यहाँ पे। कॉफी भी पी उन्होंने, बस अभी सोने की बारी है। फिलहाल हम सोते, क्यों सोना है, कल क्या प्लान है? छोटी बंगस, तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड नाइट, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुश रहिए, आवाज़ आ रही है।